हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइस ब्लू। मैं हूं दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल का ऊपर, उसका पिवट पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड मार्केट ट्रेंड एंड क्रूड ऑयल उसका रेंज क्या है वो भी हम बात करेंगे, और क्रूड ऑयल को कैसे रिसर्च किया जाता है उसका ऊपर डिटेल्स हम एनालिसिस करेंगे। मार्केट आज क्या होने वाला है, तो ये देख सकते हैं क्रूड ऑयल 4 आवर चार्ट, और आज क्रूड ऑयल पिवट पॉइंट 5532, फर्स्ट रेजिस्टेंट 5597 एंड सेकंड रेजिस्टेंट 5708 एंड थर्ड रेजिस्टेंट 5773, S1 5421, S2 5356 एंड S3 5245। तो ये देख सकते हैं आप क्रूड ऑयल डेली चार्ट, फोर आवर चार्ट, तो इसमें आप देख सकते हैं मार्केट जो रेजिस्टेंस लाइन दिया था वहाँ तक गया, तो वहाँ से अभी थोड़ा बहुत कल से लेके थोड़ा नीचे आ रहा है, तो आज देखना है मार्केट कहाँ तक जा सकता है। अगर हम इसको एक सपोर्टिंग लाइन ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं मार्केट ये 5309 ये लेवल सपोर्टिंग दिखा रहा है, और हम अगर बात करें प्रीवियस रेजिस्टेंस लाइन तो आप देख सकते हैं एक ये फॉर्म में अभी मार्केट चल रहा है, राइट। तो हम देखेंगे छोटा टाइम फ्रेम में जैसे 30 मिनट, तो आप देख सकते हैं 30 मिनट है ये, और 30 मिनट में पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सपोर्टिंग लाइन था उसको तोड़ दिया। मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो नीचे आना चाहिए क्रूड ऑयल, और एक बात याद रखना चाहिए ये 100 मूविंग एवरेज है, यहाँ पे एक सपोर्टिंग लेवल टच किया, वहाँ से फिर से मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर निकल गया, तो यहाँ से आपको पहले कंफर्म करना पड़ेगा क्या इसको तोड़ पाता है क्या नहीं पता, जैसे 100 मूविंग एवरेज। तो अगर आप यहाँ पे सेल जाना चाहते हैं तो नीचे जैसे 5447 ये इस रेंज का नीचे में अगर मार्केट कैंडल फॉर्म हुआ तो यहाँ पे सेल जा सकता है अप टू 200 मूविंग एवरेज जैसे 80 पॉइंट, और नेक्स्ट सपोर्टिंग लेवल अराउंड 5309 यहाँ तक आ सकता है। लेकिन अगर मार्केट इनकेस 5521 इस रीजन में अगर तोड़ के मार्केट फिर से यहाँ पे कंफर्म करे, अगर कंफर्म करता है बाय की तरफ तो यहाँ पे बाय जा सकता है आप इसका ऊपर जैसे 5544, तो यहाँ से फर्स्ट आपका रेजिस्टेंस मिल जाएगा 559 एंड सेकेंड विल बी 5741। तो 5 मिनट में अगर इसको देखे तो ऑलरेडी ये डाउन ट्रेंड लिया हुआ है, अभी थोड़ा करेक्शन दे रहा है, तो इस रीजन से अगर मार्केट कंफर्म करे कर सकता है नीचे आने का। अगर मार्केट ये 100 मूविंग एवरेज भी इधर आ गया तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना सकता है, और यहाँ पे अगर कंफर्म कर दिया से डाउन ट्रेंड जाने के लिए तो आप सेल में जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक रेंज आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक रेंज है, ये रेंज है, तो आप देख सकते हैं ये रेंज में अभी स्मॉल रेंज में ये रेंज में चल रहा है मार्केट, तो मुझे लगता है ये थोड़ा बहुत तो करेक्शन दे सकता है क्योंकि मार्केट तो आप छोटा टाइम फ्रेम में तो डाउन ट्रेंड में ही है। अगर आपने सेल करना चाहते हैं तो ये रीजन में अगर कंफर्म मिले जैसे CCI फिर से यहाँ से आके जीरो लेवल क्रॉस करेगा, जैसे यहाँ पे जीरो लेवल क्रॉस किया था, राइट, इसमें जैसे ऊपर गया उसके बाद जीरो लेवल क्रॉस किया, यहाँ पे सेल डायरेक्शन मिला था, तो ये भी फिर से ऊपर जा सकता है, अगर ऊपर क्रॉस कर लिया तो थोड़ा बहुत बाय यहाँ के लिए कर सकता है जैसे अराउंड 5594, तो अगर यह कंफर्म कर दिया फिर से नीचे आके तो फिर से आप सेल आ सकता है यहाँ अराउंड 5423 रेंज के लिए। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।